तो जयपुर की घटना है, बोले महाराज जी व्यवहार हे है कि नहीं, देखो महाराज जी आप लोग थोड़ा सा आगम पढ़ा करो। मैंने कि हाँ पढ़ा दो भाई, पढ़ा दो पढ़ा दो, ऐसे ही बोलते बोलो महाराज जी थोड़ा पढ़ा करो आप लोग, आप लोगों को बहुत, आप लोगों का पुण्य बहुत तेज है कि आपकी बहुत तूतू बोलती है। मैंने कि मूर्खो पुण्य तेज नहीं है, साधना तेज है। कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे आचार्य जी का पुण्य तेज है तो मैं कहता हूं नहीं, पुण्य तेज नहीं, पुण्य के बल पर नहीं पूछता है साधु, पुण्य के बल पर पूछता है चक्रवर्ती, पुण्य के बल पर पूछता है राजा महाराजा, पुण्य के बल पर पूछता है सेठ, क्योंकि उनके पास धन पुण्य के उदय से आता है, धन पुण्य के उदय से आता है, नौ दुनिया पुण्य के उदय से आती है, चक्रवर्ती पुण्य के उदय से बनता है। तो जो धनवान होते हैं चक्रवर्ती होते हैं वे पुण्य के बल पर पूछते हैं, साधु कभी पुण्य के बल पर नहीं पूछता, साधु पूछता है अपने चारित्र अपने संयम अपनी साधना के बल पर पूछता है। पुण्य के बल पर नहीं पूछता, साधना उसकी अपने आप में साधना होती। मैंने कहे नहीं, उनका महाराज आपका पुण्य बहुत तेज है, आप पुण्य के बल पर पूछते हैं, आपकी सब सब लोग मानते हैं, आप जो कह दें साची कह दें तो झूठी कह दें तो सब लोग, ये तो आप लोगों के प्रति इतने अंधे हो गए हैं, ऊंट बलैया ले गए आज। मैंने कही सावधान, पुण्य का नाम मत लेना, मैं पुण्य के बल पर नहीं पूछ रहा हूं, 35 साल से अग्नि में तप रहा हूं तब पूछ रहा हूं। उस समय तो कम समय था, 96 की बात है, अभी कह रहा हूं ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं पूजा होती है। कितना कष्ट कितना तपस्या कितना मन को मारता है, कितना काया को करता है, सर्दी गर्मी सब कुछ कैसा होता है आप सबको मालूम है। मुनि धर्म पुण्य के बल पर नहीं मिलता है पूछता है, तलवार की धार पर चलता है इसलिए पूछता है।